अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनका रिलेशनशिप, इनका कंपैरिजन, कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होती हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर एंड द सेकेंड वन इज़ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर रेफर्स टू द फिज़िकल एंड विजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, सच एज अ मोनीटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। इट डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट द टास्क। तो हार्डवेयर वो होते हैं पार्ट्स कंप्यूटर के जो कि फिज़िकल होते हैं, जिनकी एक एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम टच भी कर सकते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं। जैसे इसमें आ जाता है मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और ये उस सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करते हैं जिसने इनको एग्जीक्यूट करना, यानी हार्डवेयर की एग्जिस्टेंस के लिए सॉफ्टवेयर का होना मैंडेटरी है। देन हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जैसे कि पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं एंड इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। सो दीज आर ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच एनेबल द हार्डवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। It depends on hardware to process information. They are intangible and thus we can't see and touch software. We can see but can't touch software. So software जो अगर हम दूसरी तरफ उसकी बात करें तो set of instructions होती हैं, हिदायत होती हैं, जो कि computer को एक direction provide करी होती हैं कि तुमने कैसे जो है वो instruction को execute करना है, या फिर hardware को instructions कहाँ से मिल रही होती हैं? सॉफ्टवेयर से। सो हार्डवेयर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड कर रहा होता है उस इंफॉर्मेशन पे जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको प्रोवाइड की जाती है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो इनटेंजिबल होता है, मींस कि आप इसको टच नहीं कर सकते, आप जस्ट उसको देख सकते हो और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो रही हैं आप उनको होता हुआ देख सकते हो। सो यू कॉन्ट टच सॉफ्टवेयर। अगर हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज की बात करें तो बेसिकली सॉफ्टवेयर को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स हो सकते हैं, असेंबलर हो सकते हैं, कंपाइलर हो सकते हैं एंड लोडर हो सकते हैं। तो इनको डिटेल में हम जो सॉफ्टवेयर का टॉपिक होगा उसमें डिस्कस करेंगे। देन आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें आगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेट सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली अगर हम इनका थोड़ा सा डिफरेंस डिस्कस कर लें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हार्डवेयर को, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी होते हैं, यानी हार्डवेयर की जो मेंटेनेंस होती है या हार्डवेयर को जो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि तकरीबन हर कंप्यूटर में आप अपनी मर्जी के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, वो हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे MS Office हो गया। सो अगर हम इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करें, द सॉफ्टवेयर मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द हार्डवेयर टू फंक्शन प्रॉपरली एंड सिमिलरली द हार्डवेयर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर मस्ट बी इंस्टॉल्ड। अगर आपने हार्डवेयर को प्रॉपरली फंक्शनिंग में लाना है तो सॉफ्टवेयर उसके लिए होना चाहिए, और अगर आप हार्डवेयर को जो है वो यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? मैंडेटरी के हार्डवेयर की एग्जिस्टेंस। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट येट दे आर ऑल्सो डिफरेंट फ्राम ईच अदर, यानी ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए इनका होना मैंडेटरी है। दोनों रिलेशनशिप में दोनों मिलकर काम करते हैं, अकेले ये किसी काम के नहीं हैं। सो अगर हम इसको, इन दोनों का कंपैरिजन देखें, अब हम देख लेंगे, डिस्कस करेंगे हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। सो वन बाय वन हम इसके डिफरेंट जो डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हार्डवेयर में क्या होता है कि हार्डवेयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर मेन कैटेगरीज, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड इंटरनल कंपोनेंट्स। तो हार्डवेयर की डिवीजन इन फोर जो कंपोनेंट्स होते हैं इनमें की जाती है। सॉफ्टवेयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर डेवलप्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटेरियल, यानी आपको मटेरियल यूज़ करना पड़ता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंबाइन करना पड़ता है हार्डवेयर को बिल्ड करने के लिए। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो डेवलप्ड
राइटिंग यूजिंग इंस्ट्रक्शंस यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी आप कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो और उसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस राइट करते हो तो वो बन जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। देन आता है इसका नेक्स्ट जो डिफरेंस है, हार्डवेयर व्हेन डैमेज्ड इट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू कंपोनेंट, यानी हार्डवेयर जब आपसे डैमेज हो जाता है, जब आपसे टूट जाता है तो आप उसको रिप्लेस करते हो, यानी पहले आप क्या कोशिश करते हो, उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हो। अगर वो रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, अगर हार्डवेयर रिपेयर नहीं हो रहा तो आप उसको रिप्लेस कर लोगे। इसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, व्हेन डैमेज्ड इट कैन बी इंस्टॉल्ड वंस मोर यूजिंग अ बैकअप कॉपी, तो हार्डवेयर अगर जो है वो हमारे पास डैमेज होता है तो उसको रिपेयर एंड देन रिप्लेस की तरफ जाएंगे। सॉफ्टवेयर अगर डैमेज होता है उसमें एरर्स आ जाती हैं, उसमें वायरस आ जाते हैं, तो आप उसको रीइंस्टॉल करोगे और उसकी जो बैकअप कॉपी के थ्रू जो है आप उसको रीइंस्टॉल करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनका डिफरेंस, हार्डवेयर इज़ फिज़िकल इन नेचर एंड हैंस वन कैन टच एंड सी हार्डवेयर, आप टच भी कर सकते हो हार्डवेयर को एंड आप उसको देख भी सकते हो। द सॉफ्टवेयर कांट बी फिजिकली टच्ड बट स्टिल कैन बी यूज्ड एंड सीन, आप सॉफ्टवेयर को यूज़ भी करते हो, आप सॉफ्टवेयर को देख भी सकते हो, बट यू कांट फिजिकली टच द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इसका डिफरेंस आ जाता है, हार्डवेयर कांट बी इन्फेक्टेड बाय वायरसेस, द सॉफ्टवेयर कैन बी इन्फेक्टेड बाय वायरसेस, हार्डवेयर डैमेज हो सकता है, हार्डवेयर कभी भी वायरस से इन्फेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए प्रोग्रामर राइट करता है। सो सॉफ्टवेयर की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वायरस उन पे अफेक्ट होता है, वायरस उन पे अटैक कर सकता है। देन हार्डवेयर विल फिजिकली वेयर आउट ओवर टाइम एंड सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट बट इट कैन बी अफेक्टेड बाई बग्स एंड ग्लिचेस, यानी क्या होता है कि जो हार्डवेयर जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता समझ लें कि उसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है उसको पड़े पड़े कुछ नहीं होता, बस उसमें जो बग्स आती हैं, एरर्स आती हैं या उसमें वायरसेस आते हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर इज़ हार्ड ड्राइव, मोनीटर्स, CPU, स्कैनर, प्रिंटर एट्सेट्रा। एंड अगर हम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल की बात करें तो जो विंडो आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, लाइक विंडो 10 होगी, विंडो विस्टा होगी, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो सब जो हैं वो एग्जांपल्स में आते हैं। देन अडोब फोटोशॉप हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इसके अलावा MS ऑफिस हो गया, तो सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देन अगर हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स लें सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर इज़ द प्रोग्राम एंड रूटीन्स फॉर अ कंप्यूटर आर द प्रोग्राम मटीरियल फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मेक इट रन, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अगर आप उसको प्रॉपरली वर्किंग में लाना चाहते हो तो क्या करोगे, आप उसके जो डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह हैं, जो उसकी रूटीन्स हैं उनको इंस्टॉल करोगे, तब आपका जो कंप्यूटर होगा वो प्रॉपरली फंक्शनिंग में होगा। सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इज एक्सेल आर विंडोज आर iTunes, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स एंड इंटरनेट ब्राउजर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो MS Excel हो गया, MS Office हो गया, पावर पॉइंट हो गया, जो हमारे पास इसके अलावा PDF होता है, ये सारी जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, सॉफ्टवेयर की। देन अगर हम हार्डवेयर की एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर आर द कीबोर्ड, द मोनीटर, द माउस एंड द प्रोसेसिंग यूनिट। However, most of the computer's hardware can't be seen. It is inside the computer case. यानी जो system unit के अंदर जो different चीज़ें होती हैं, जो hard disk होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप देख नहीं सकते, यानी वो enclosed होती हैं, jacket के अंदर enclosed होती हैं, लेकिन वो physically touch की जा सकती हैं अगर आप उसको box को open कर लेते हो। देन डिफरेंट तरह के जो वायरस हैं वो कैसे जो हैं वो हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करती हैं, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ वायरस ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरसेस वेयर इज सॉफ्टवेयर गेट्स मेजरली इम्पैक्टेड बाय द वायरसेस, कि वायरसेस बुरी तरह से असरअंदाज होते हैं सॉफ्टवेयर पर बट हार्डवेयर को वायरस के आने से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर हार्डवेयर किसी वजह से डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो उसमें मसाइल होंगे। देन
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर आर देयर, यानी कुछ यहाँ पे आप क्वेश्चंस हैं. सो कितनी तरह के जो हैं वो हार्डवेयर होते हैं. हार्डवेयर इज़ मेनली क्लासीफाइड इंटू फोर मेन कैटेगरीज दैट आर इनपुट डिवाइसेस, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया. आउटपुट डिवाइसेज हैं तो आउटपुट डिवाइसेज में मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है. देन स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में आ जाते हैं डिफरेंट फ्लॉपी डिस्क हो गया, यूएसबी हो गया, हार्ड डिस्क वगैरह हो गया. एंड इंटरनल कंपोनेंट्स, तो इंटरनल कंपोनेंट्स वो सारे होंगे जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या रेज करता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. तो वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेनली टू हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, जो कि स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में खुद से इंस्टॉल करते हो. और अगर इसकी मजीद कैटेगरीज की बात करें तो इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है एंड एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट जो है वो रेज करते हैं, उनको हम मज़ीद जब सॉफ्टवेयर का टॉपिक होगा तो हम उसमें डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड सीएस डिपार्टमेंट.